हूँ। आप देखो मेरी मम्मा को आज 1 महीने बाद ये पका रही है। हेलो करो। है कितने टाइम बाद हमने यहाँ पे लगभग 3-4 महीने बाद आए। बहुत मिस कर रहे थे गाइस। फिलहाल हमने इतना सब कुछ सेट कर लिया है बट ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज ऑलमोस्ट थी ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया कि मतलब मैं व्लॉग शूट नहीं करती हूँ। मेरे एग्जाम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हो गए। तो मैंने मतलब लगभग कब 27 को मेरा पेपर था वो खत्म हो गया। तो फिर दूसरे दिन 28 को मेरी फ्लाइट थी। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग शूट करूंगी बट मेरे को उतना टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग शूट करती क्योंकि वो एग्जाम्स का टेंशन। हाँ, क्योंकि अब रिजल्ट का टेंशन है। 12th के एग्जाम्स का हो गया, रिजल्ट का टेंशन है। स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह पेपर्स बहुत अच्छे हो गए। और पहले ही मैं आज अपने एक सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहती हूँ जिनका नाम है हाजू जान। बिकॉज उन्होंने बहुत पहले मतलब बोला, कमेंट की थी कि इनका नाम लेना बट मैं हमेशा भूल जाती थी। और आज मतलब मैं बार बार रिपीट कर रही थी जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी पहले उनका नाम लूंगी। सो मेरी तरफ से आप उनको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और बस और क्या ही मैं बोले। और आज मैं आज रमजान का सेवेंथ है। तो आज मेरा प्लान है मैं कहीं बाहर जाऊंगी अस्तान पे, क्योंकि मैं कल ही आई हूँ। मतलब वहीं से सोचा था जब मैं 28 को घर आऊंगी तो 29 को मैं जाऊंगी अस्तान पे। तो आज अब मैं जा रही हूँ कहीं। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय। और ये मुझे अगर इसको पता चली तो मुझे जूते से मारेगा, तो वो बाद में देखते हैं। फिलहाल मैंने पहन लिए हैं और अब चलते हैं हम। जो मेरी फ्रेंड के पास तेल नहीं था तो फिर हमें यहाँ पे तेल डालने आना पड़ा। फाइनली वापस आ चुकी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी, वरना हमें प्लान था दरगाह जाने का बट फिर आज कैंसिल ही किया। तो अब जाएंगे अगली बार। फिलहाल मैं घर रुकती हूँ। आप देखो मेरी मम्मा को आज 1 महीने बाद ये पका रही है। हेलो करो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आपको मेरे बिना 1 महीने? अधूरा। कैसा घर पे था कोई बकवास के लिए? मेरे लिए कुछ भी नहीं था, बस मैं तन्हाई, सिर्फ तन्हाई में महसूस कर रही थी। चलो कोई नहीं, अब तो मैं आ गई हूँ। मेरी जिंदगी अधूरी है। तो गाइज अब मैंने रेस्ट भी कर लिया, तो अब मैं अब हम तैयारी की तैयारी करते हैं बिकॉज अब कुछ ही टाइम रहा है। अब मम्मा की थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ। चाट मसाला दे दो। तो गाइस फिलहाल हमने इतना सब कुछ सेट कर लिया है बट ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो उसमें ना मतलब उससे गर्मी हो जाती है, तो इसलिए मेरा मन नहीं था, वो मैंने इसलिए यहाँ पे रखा। बाकी सारा हमने सेट कर लिया है। तो गाइस मैंने नमाज पढ़ लिया अब, तो अब मुझे लगता है आज का वीडियो अभी नहीं, अभी मुझे सफाई करनी है। मैं सफाई भी दिखाऊंगी सफाई कैसे करेंगे। तो अब मैं पहले थोड़ा सा मतलब अपने टेबल पे किताबें अच्छे से रखूंगी, तो मैं वो दिखाऊंगी अभी आपको। तो मैंने बुलाया है एक को जो मेरी हेल्प करेगा इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ फिर अभी। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है मेरे को अब नीट के लिए प्रिपेयर करना है, तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं पहले किताबें वगैरह देखूंगी कि मैंने 11th की बुक्स किधर फेंकी हुई थी। अब वो मैं पहले ऊपर डस्ट निकाल के नीचे उतारने जा रही हूँ। तो चलिए करते हैं सफाई किताबों की। तो गाइस क्या इसको बोलते हैं, देखो किताबों का हाल क्या है जो मुझे पढ़नी है, किधर रखी हुई थी मैंने बट आप मुझे पढ़ने। हमारे लिए अभिजीत कुमार और हमारे अभिजीत जी जो आए हैं आज कितने टाइम बाद आए हैं, कितने टाइम बाद हमने यहाँ पे लगभग 3-4 महीने बाद आए। बहुत मिस कर रहे थे, याद आ रही थी बिकॉज लॉयल बंदा है ये बहुत।
अच्छा है ये। हाँ काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस ने झूठ कहा कि मैं किताबें उठाऊंगी, इस बेचारे से उठा रही है यहाँ पे किताबें। तो यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, काफ़ी नहीं हल्की हल्की हो रही है, कहाँ दिखेगा बिल्कुल, बट हो रही है। तो दोस्तों हमारा ऊपर का सेटअप हो चुका है, अब मैं यहाँ पे नीचे वाली बुक्स जो है वो सेट करूंगी, बिकॉज देखो मेरी किताबों का हुलिया गया हो गया है यहाँ पे, देखो कितना कबाड़ खाना टाइप का बन गया है बेचारी किताबों का। फाइनली हमारा काम हो चुका है और इसमें छोटू का हाथ है जिसने बेचारे ने सहमत की, लेकिन तब भी मेरे भी हाथ गंदे हो गए, मेहंदी लगी है हाथों पे, नाक वाक पर डस्ट वस्ट गई, अब खुजली आ रही है। तो गाइस फाइनली मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, बराबर 10:02 बज गए, 2 मिनट ऊपर 10 बज गए, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई, अब मैं सोऊंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही था इस व्लॉग में, और अब देखते हैं, मैं कोशिश करूंगी मैं डेली व्लॉग्स बनाने की, बहुत सारे कमेंट्स आते थे आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो, बट अब मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। सो फिलहाल के लिए टेक केयर।